अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया किचन विद फैसल धरती टीवी ते तमामु बहितरीन प्रोग्राम। हर दफ़े नई रेसिपिन सां गॾु तव्हां साम्हूं हूंदा आहियूं ऐं जुमेरात जुमो यानी खमीस ऐं जुमो 4-5 हूंदा आहियूं। ऑन ईयर रेसिपी ठाहियां पिया ढाका चिकन फ्राइड। ढाका चिकन फ्राइड जेका ई रेस्टोरेंट्स में स्टार्टर जे तौर ते इस्तेमालु थींदी आहे ऐं इनखे इन सां गॾु फ्राइज़ बि सर्व थींदा आहिनि। बहितरीन हिकिड़ो पूरो प्लेटर ठाहिणु सेखारियां पियो। इडिस जो इन सां गॾु हिकिड़ो सॉस बि ठाहींदासीं जंहिं सां खायो वेंदो आहे। त हीअ रेसिपी तमामु बहितरीन आहे। अधु किलो खां 3 पाजे थी चिकन जी असां हीअ रेसिपी ठाहियूं पिया, ठीकु आहे। अधु किलो खां 3 पाजे थी मुर्गी आहे। बॉनलेस सीने जा पीस आहिनि हिन तरीक़े सां पसंदि स्टाइल में। पारचा ॾिसो हीअं ठहियल आहिनि। क्यूस में बि इस्तेमालु करे सघो था ऐं फिंगर स्ट्रिप में बि इस्तेमालु करे सघो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हाणे हिन में जेके असां मसाला विझंदासीं उहे तव्हां नोट कंदा वेंदा। अछो सिरको 1 खाइण जो चमचो, वाइट विनेगर 1 खाने का चमच, अछो सिरको 1 खाइण जो चमचो, चिली सॉस 1 खाइण जो चमचो, सोया सॉस 2 खाइण जो चमचो, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमच, चिली सॉस 1 खाने का चमच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर, दखनी मिर्च भी कहते हैं इसको, हैदराबादी मिर्च भी कहते हैं और वाइट पेपर भी कहते हैं सफ़ेद मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट का मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1-1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से कम, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट का मसाला 1 चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कारे मिर्चन जो पाउडर 1 चाय जो चमचो, वाइट पेपर अच्छा मिर्च हूँ यो 1 चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचे का मथे, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, इन से गड ये चाट जो मसालो यानी चाट मसालो 1 चाय जो चमचो, 1 कप मैदा चाहेगा, ठीक है। 1 कप मैदा डाल दिया, मैदे को छान के यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2-3 खाने के चम्मच, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है। 2-3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा, 1 कप मैदो ऐं 4 खाइण जा चमचा कॉर्नफ्लोर विझिजो। अब हम इसमें डालेंगे वाइट तिल, इससे खूबसूरती आती है, बहुत अच्छे लगते हैं जब ये फ्राई होगा तो मैं आपको खुद ही नजर आएंगे। 1/2 कप जितने वाइट तिल यानी 4-5 टेबल स्पून भर के आपने सफ़ेद तिल डालना है। सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, इससे खूबसूरती भी आती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, पहले मैंने गर्म कर दिया था अच्छी तरह ताकि फ्राई करें तो अच्छे फ्राई हो जाए, ठीक है। ये हो गया, इस तरह इनके मिक्स कंदासी मुर्गी के पीसेस के, अच्छा तिल बल्कि हाथ से करते हैं तो हाथ से ये अच्छी कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। चिकन के पीसेस उठाते जाएं बहुत आराम से ताकि ये इसकी कोटिंग टूटे ना, इस तरह करके फ्ले आपने या बोनलेस में क्यूब्स में भी कर सकती हैं, लेकिन क्यूब्स थोड़े पतले होने चाहिए, लंबाई की तरफ ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल मोटे क्यूब्स होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस तरह के फ्ले आपने ये सारे डालते जाने, उन तरीके से ही जो फ्ले एंड सजा हिते विझंदा वेंदासीं। अभी देखें बहुत अच्छे से इसके फ्ले सारे फ्राई हो रहे हैं, और इस तरह जब चीज़ को बनाते हैं उसके बाद ऑयल ठंडा करके छान लिया करें, क्योंकि मैदा है या कॉर्नफ्लोर है या कोई कोटिंग के पार्टिकल्स होते हैं, पीसेस रह जाते हैं, तो वो ऑयल होगा ये तकरीबन 15 मिनट तक पकता रहता है, फ्राई होता रहता है मीडियम फ्लेम पर। तो पानी लगंदो है ना तो पोए नरम थींदा आहिनि, वापस कॾहिं बि न धोईंदा आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो आलू जा चिप्स फ्राइज़ जेका ठहंदा आहिनि मिलंदा आहिनि, उहे कटिंग जेके कंदा आहिनि पहिरीं धोई छॾंदा आहिनि, पोइ साबित रखियल हूंदा आहिनि, बसि कढंदा वेंदा आहिनि, कटिंग कंदा वेंदा आहिनि। हे देखियो कॉर्नफ्लोर, मैदे की कोटिंग नहीं होती है फ्राइज़ पे, हमेशा सिर्फ कॉर्नफ्लोर की कोटिंग होती है। अच्छी तरह देखिए कोट, नमक वगैरह काली मिर्च ऐसी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा, वो बाद में फ्लेवर दिया जाता है। इसको अब निकालना शुरू करते हैं, देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट कलर आया, क्रिस्पी सी बनी है बड़ी ज़बरदस्त। वाइट तिल आपके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि तिल हम मैरिनेशन में जब डालते हैं ना तो वो उसके ऊपर तिल कभी भी जलता नहीं है, वो उसका कलर वाइट ही रहता है। और ये देखें चिकन के साथ हमारे तिल सारे निकलते आ रहे हैं, डालते हैं। अब डालने के बाद इसको स्पून नहीं चलाना, ठीक है। जॾहिं भी फ्राइज़ ठाहींदा हो हिनमें तव्हां स्पून चमचो न हलाईंदो, इस तरह हाथ से उठा के निकल, थोड़ा हिला देंगी तो छन के जो एक्स्ट्रा इसका है बैटर वो सारा निकल जाएगा। ये डाल दिया, अब चूल्हा तेज़ करेंगे, ठीक है। फ्राइज़ जब बनाते हैं ना उसको कोटिंग करके डाल दिए, चूल्हा तेज़ किया, चूल्हा तेज़ करने के बाद आपने कर देना है कवर सिर्फ 4-6 मिनट के लिए। उससे क्या होगा स्टीम बनेगी, स्टीम में फ्राइज़ क्रिस्पी भी होंगे, अंदर तक जल्दी पक भी जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका कवर हटा के फिर इसको निकाल देते हैं, बाहर रखते हैं छन्नी में डाल के, वो फिर ठंडे हो जाते हैं,
बिल्कुल जैसे थोड़े नीम गर्म रहते, फिर दोबारा फ्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए, हो गए। इसमें जो ये स्पून टच कर रहा हूँ ना, इससे फील हो रहा है कि क्रिस्पी हो गए, ठीक है। अब कवर हटा के अपने इसको फ्राई करना, जब इसका कलर चेंज होगा इसको निकाल देंगे। कोटिंग देखें इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, हटेगी नहीं और ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज तैयार होंगे। चिकन के पीसेज हम निकाल देते हैं, देखें ज़बरदस्त से हमारी क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है, ढाका फ्राइड चिकन ये हो गई तैयार। कोटिंग देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त है, ये निकाल लेते हैं। ये 3 पाव 650 ग्राम ऐसे कुछ इसका वज़न है। आप 1 किलो तक बनाएंगी तो फिर आपने सारी चीज़ें इसकी डबल कर देनी, ठीक है। अभी इसके सॉस भी बनाते हैं हम लोग, तो फ्राइज भी निकालेंगे। मैं थोड़ा इसको क्लियर करूँ, फिर इसमें फ्राइज निकाल देते हैं। छन्नी रखा कर, छन्नी से क्या होता है एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है नीचे निकल जाता है। अब फ्राइज अच्छा होना चाहिए, क्रिस्पी बन गए फ्राइज बिल्कुल हमारे। और जो ऑयल है ना वो छाने जो थदो करण का, अब ऑयल को आप छोड़ दें, सारी रात पड़ा रहे, अगर रात में बना रहे हैं, दिन में बना रही तो शाम तक पड़ा रहे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने फिर छान के ठंडा करके रख देना है। नेक्स्ट थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर डालूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिया। अगर सिर्फ नॉर्मल खाने हैं तो फिर आप चाट मसाला नहीं डालेंगे। ये जो जुड़ गए हैं इनको खोल दें, इसको अब हल्के हाथ से आपने हिलाना ताकि एक्स्ट्रा जो मसाला वो नीचे निकल जाएगा और बाकी इसके ऊपर रह जाएगा, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी आपको इसकी, कितने अच्छे और क्रिस्पी बने, बेहतरीन ज़बरदस्त लगे। तो अब हम डालेंगे फ्राइज, फ्राइज कुछ इसके ऊपर रखें इस तरह जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं प्लेटर, ज़बरदस्त किस्म जो असो ढाका फ्राइड चिकन प्लेटर तैयार थी। वो सेम इन तरीके से तुम रेस्टोरेंट्स में घुराइंदा हो तो अड़ा ही प्लेटर मिलंदा है, काफ़ी एक्सपेंसिव होंदा है। प्राइस तो मैं नो बुधा लेकिन चंगा महंगा होंदा है कि मानू अफोर्ड कंदा वा, लेकिन तुम घर में अगर ठाई तो तक इलाही सस्तो पे अध कीमत वही पवन है। सावा धाणा थोड़ा सा विझंदा ताकि इनमें खूबसूरती अचे प्लेटर में, ऐसो हल्को हल्को सावा धाणा, ठीक है। कॉरिएंडर लीफ जो हरा धनिया हल्का सा, ये ज़्यादा नहीं, इससे क्या होता है प्लेटर खूबसूरत हो जाता है। डाला करें ये फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं इस तरह, तो इससे कोई वो फ्लेवर नहीं आएगा लेकिन ये कि आपकी डिश खूबसूरत हो जाती है। अब ये रिपीट में देखिएगा, कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा, जुमेरात जुम्मा 2 दिन मैं आपके साथ होता हूँ 4 से 5 किचन विद फैसल धरती टीवी पे। दूसरे दिन जुम्मा और हफ्ता सुबह 7 बजे रिपीट चलता है। यूट्यूब पर सर्च करेंगी तो आपको किचन विद फैसल धरती टीवी सब्सक्राइब करेंगी, तमाम रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो अपलोड होते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी, सूप्स वगैरह बनाना शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीक से, क्योंकि ये दिसंबर आने वाला है तो उसमें काफ़ी सारे सर्दियों के हिसाब से खाने हैं, यखनियाँ वगैरह।